Silky B. Hey what's up guys, this is Sandy here and you are watching TechSB। तो guys आज हम बात करने वाले कि आप जो है KineMaster में कलर ग्रेडिंग जो है कैसे कर सकते हो अपनी वीडियोज को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को जो है KineMaster के एप्लीकेशन के अंदर ओपन अप कर लेना है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो KineMaster एप्लीकेशन में जो है ओपन अप कर दिए और ये कुछ क्लिप्स रही जिसके मैं जो है कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनका जो है साउंड जो है हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इनमें ज़रा से भी कलर करेक्शन नहीं किए हुए, मगर आपने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा कि इनके मैंने कितनी बढ़िया तरीके से जो है कलर ग्रेडिंग करती थी। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं ये रही मेरी पहली फुटेज। यहाँ पर यह पहली फुटेज जो है एक जंगल के ऊपर से ली गई है ड्रोन कैमरे से। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक समुद्र की जो है स्लो मोशन वीडियो है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो। और ये मेरी सेकंड जो है वीडियो जो है मैं इसको कलर ग्रेड करने वाला हूँ। और गैस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की वीडियो है। और यहाँ पर ये रही मेरी लास्ट वाली वीडियो जिसमें कि मैं कलर ग्रेडिंग करने वाला हो। तो गैस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर सिंपली से यहाँ बाजू में 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर पे जो है क्लिक कर दूँगा। और ये जो मीडिया ब्राउज़र की फ़ाइल है इसको जो है हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं मीडिया ब्राउज़र में जाके एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस वाइट वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। और हमारा जितना वीडियो लंबा है उतना जो है बैकग्राउंड भी जो है लंबा होना चाहिए। और यहाँ पर सिंपली अभी मैं जाऊँगा कलर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर जो है मेरे को ग्रीन रखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है ग्रीन वाला जो है कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्रीन वाला कलर सिलेक्ट होने के बाद मैं अपनी लेयर को जो है स्प्लिट कर देता हूँ। और गाइस स्प्लिट कर देने के बाद यहाँ पर अभी हम जो है लेयर पे क्लिक करके जो है क्रोमा की वाले ऑप्शन को जो है इनेबल कर देते हैं। तो क्रोमा की वाले ऑप्शन पे इनेबल करने के बाद यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ, जिससे कि हमारे जो है पेड़ को जो है थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो गैस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मैं जो है ये वाली सेटिंग में जो है अभी रख लेता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं जो वीडियो को पे ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाले फ़िल्टर जो है एकदम कमाल के लग रहे हैं इस वाले वीडियो पे। और यहाँ पर आपको ढेर सारे फ़िल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं ये वाला फ़िल्टर लगा रहा हूँ 4th वाले नंबर का। तो यहाँ पर फ़िल्टर लगाने के बाद आपको जो वीडियो देख सकते हो कितनी बढ़िया हो गई है। और यहाँ पर अभी हम चलते हैं सिंपली कलर एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पर अभी हम सिंपली ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देते हैं। और यहाँ पर मिडल वाली सेटिंग्स को जो है मैं हाई कर रहा हूँ और लास्ट वाली भी जो है हाई कर दे रहा हूँ, ताकि जो है हमारे वीडियो में एकदम अच्छा सा लुक आ जाए। तो गाइज़ यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो है पहली वाली वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए जो है मैं दूसरी ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सिंपली से एक फ़िल्टर को चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला फ़िल्टर जो है अच्छा लग रहा है 6 नंबर वाला। और यहाँ पर अभी जो है मैं आपको थोड़े और फ़िल्टर जो है लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैं 6 वाला ही फ़िल्टर को यूज़ कर रहा हूँ इस 2nd नंबर वाली वीडियो के लिए। और यहाँ पर सिंपली जाएंगे कलर एडजस्टमेंट पे और यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर दूँगा। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मिडल सेटिंग एंड 3rd सेटिंग मैंने जो है हाई रखी है। और जैसे ही मैं 3rd वाली सेटिंग्स को ऊपर नीचे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी रख देता हूँ, थोड़ी सी नेचुरल वाली भी लुक आ जानी चाहिए वरना कार्टून टाइप ही लगेगा हमारे वीडियो। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी ये वाली भी जो है सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो भी जो है कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त सा लग रहा है कि कलर करेक्शन करने के बाद। और यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो जो है हमारी ये रही। तो गाइज इस वीडियो को हम जो है सिंपली डुप्लीकेट लेयर पे जो है क्लिक कर देंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस वाले बैकग्राउंड को जो है ले लेता हूँ और गाइज यहाँ पर जो है मैं इस वाले बैकग्राउंड को जो है वीडियो जितना बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो जितना बड़ा कर देने के बाद यहाँ पर अभी हम सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है हम बैकग्राउंड का कलर जो है थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का जो है अभी हम जो है यहाँ पर कलर लेने वाले। तो यहाँ पर गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं मैं ये वाला जो है कलर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं आप जो है मनचाहा जो कलर यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी जो है वाइट कलर पे जो है मैंने अपना ब्रश ले रखा है और यहाँ पर मैं जो है इस वाले ब्लू कलर को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करने के बाद हम जो है वीडियो लेयर को स्प्लिट कर देंगे यानी कि फुल स्क्रीन कर देंगे। देन क्रोमा की में जाकर जो है हम थोड़ी सी कलर करेक्शन जो है यहाँ पर कर देंगे, जहाँ से कि हमारे पानी का जो कलर है वो कलर हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पानी में ही जो है वो ब्लू वाला कलर दिखे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है एकदम वही वाली सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से जो है कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी वाला कलर चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज ये वाला एकदम अच्छा सा लग रहा है। तो इस वाले जो है इसको फाइनल कर देते और यहाँ पर बाद में जो है आप कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ इस प्रकार की एडजस्टमेंट यहाँ पर रख दे रहा हूँ और उसके बाद अभी आप देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर में को आपको चेंज करना है तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पर ये कलर एकदम अच्छे से जो है फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार वीडियो स्टार्टिंग से जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम जो है इसमें म्यूज़िक लगा देंगे। म्यूज़िक को ऐड करने के लिए हम सिंपली जो है म्यूज़िक ऐड कर लेंगे और मुझे जो है म्यूज़िक यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से मैं सिंपली जो है म्यूज़िक को काट लूँगा और जो है म्यूज़िक को लगा दूँगा अपने वीडियो में। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी म्यूज़िक भी जो है हमारे वीडियो में यहाँ पर लग चुकी है। तो गाइस म्यूज़िक लगने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है, म्यूज़िक एकदम वीडियो के साथ मैच कर रही है और यहाँ पर एकदम स्लो मोशन वगैरह एकदम परफेक्टली यहाँ पर जो है लग रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अभी जो मैं वेस्ट म्यूज़िक है उसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे सिंपली फ़िल्टर में और यहाँ पर जो है फ़िल्टर चूज़ कर लेंगे कौन सा भी एक वाला जो है यहाँ पर फ़िल्टर जो है हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4th वाले नंबर का फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी हम जो है फिर से वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे और जाएंगे कलर एडजस्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये अभी एकदम जो है अभी हम चलते हैं कलर एडजस्टमेंट में और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे थोड़ा सा और मिडिल सेटिंग को इंक्रीज़ कर देंगे और 3rd सेटिंग को भी जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम कमाल का लुक आ रहा है हमारी वीडियो में। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जो है यहाँ पर सेटिंग्स को जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब यहाँ पर आपको ग्लो देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर ब्लाइंडिंग वगैरह का भी जो है ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर ये वाली सेटिंग को इनेबल करके जो है आप अपने कोनों में जो है ब्लैकिश कलर की जो है थीम यहाँ पर जो है आप लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो वाली भी जो एकदम काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने उसको इनेबल कर दिया है तो एकदम जो है परफेक्ट हमारी यहाँ पर वीडियो जो है लग रही है। तो गाइज यहाँ पर हमारी जो है वीडियो की कलर करेक्शन जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना है, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो दिस इज़ मिस सैंडी फ्रॉम टेक एस बी एंड आई मिस यू गाइज इन द नेक्स्ट फॉर